कैसा फील हो रहा बाबू छोटे भाई को लेके? अच्छा फील हो रहा? ओ आप तो रुला रहे हो। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, बेटा, बेटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं आज हॉस्पिटल। आज छुट्टी नहीं हुई, कल होगी। हाँ ये वाले मिनट दे दो, हाँ ठीक है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, आज उसको डिस्चार्ज होना था तो आज हो रही नहीं, कल होगी डिस्चार्ज। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मिलके आते हैं वहाँ पे, जो भी खाना वगैरह देना है वो देख के आते हैं। हम लोग जा रहे हैं, सारी दीदी जा रही है, मैं जा रही हूँ, बच्चे जा रहे हैं। चार लोग जा रहे हैं स्कूटी से, रॉबिन आगे बैठे हुए हैं, बाकी हम तीन लोग हैं, और दीदी और मुस्कान वो दोनों ऑटो से जाएंगे क्योंकि स्कूटी पे इतने सारे लोग नहीं बैठ सकते और खाना भी है मेरे हाथ में। तो चलिए चलते हैं, एंड छोटा बेबी से फिर से मिलेंगे हम लोग, और उदान फर्स्ट टाइम अपने अपने भाई से मिलेगा। इन लोगों को ऑटो मिल गया है, इन लोगों को तो ऑटो मिल गया, वो दोनों ऑटो में बैठ गए, एंड हम स्कूटी से जा रहे हैं। उदान अपने भाई से मिलेगा, छोटे भाई से, एंड रॉबिन भी मिलेगा। तो दोनों भाई जा रहे हैं आज अपने तीसरे भाई से मिलने के लिए, छोटा बेबी से मिलने के लिए। एक्साइटेड हो? चलो चलो, हाँ इस गार्डन में रुको, इस गार्डन में दादू के साथ घूमने आता है। एंड ना बैग लियो ना, खाना गरम गरम रखा हुआ है, एकदम गरम गरम लग रहा है। हाँ स्लाइड से चलो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, एंड फिर से छोटा बेबी से मिलेंगे, एंड फिर से आप सबको मिलाएंगे, और देखते हैं क्या क्या होता है। ब्लॉग में बने रही है एंड तक। हाँ देखो बाबू, बाबू देखो, देखा छोटा बेबी, देखा किसको? हाथ में एक पैर में लगाया होगा बुखार। बाबू आप भी ऐसे ही थे बिल्कुल छोटू से, आप भी इसी अस्पताल में हुए थे। हाथ लगा के रखना सर पे, नीचे नीचे। कैसा फील हो रहा बाबू छोटे भाई को लेके? अच्छा फील हो रहा? ओ आप तो रुला रहे हो। बुआ को दे दो, बुआ को, बस देखो रो रहा है। बुआ के हाथ में चुप हो जाएगा। आपका बेटा है वो, आपका भाई है? आज बेबी का हॉस्पिटल में है सेकंड डे, और देखो कितने अच्छे से सो रहा है वो। जब मैं आई थी तब भी सो रहा था, एंड अभी भी सो ही रहा है। मैंने उसको उठाने की इतनी कोशिश की बट वो नहीं उठा, और बस यहाँ पे अभी सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। एंड बच्चों को हम ज़्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रख सकते थे क्योंकि वो छोटे बेबी को बहुत तंग कर रहे थे, मतलब उसका हाथ पकड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे, एंड बोल रहे थे हमें गोदी में दो उठा के। सो बस थोड़ी देर इन लोगों को हॉस्पिटल में रखा, एंड उसके बाद फिर पापा जी और ये दोनों हॉस्पिटल से इन दोनों को लेके घर के लिए चले गए। एंड मैं और दीदी अभी मार्केट आ गए हैं, और मार्केट से हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की क्योंकि दीदी को फिर कल निकलना है, और यहाँ से दीदी अपने लिए कपड़े ले रही हैं। सो उन्होंने बहुत सुंदर से दो अपने लिए सूट लिए, मतलब सूट का कपड़ा लिया, और यहाँ पे ना बहुत बड़े मतलब जो थान के जो कपड़े मिलते हैं ना वो मिल रहे थे। सो दीदी को ना बहुत सुंदर सुंदर से दो सूट मिल गए, तो उन्होंने खरीदे, एंड उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। ये लोग इतनी मस्ती करने में लगे हुए हैं ना, हद से ज्यादा, देखो कितना मजा आ रहा है। आज मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। पहले हम लोग हॉस्पिटल गए, एंड उसके बाद फिर हम लोग मार्केट चले गए, वहाँ से आए तो काफ़ी टाइम हो गया था। एंड बस अभी घर पहुँचे तो देखा बच्चे बहुत मस्ती करने में लगे हुए थे, एंड आज तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। एंड कल बहुत अच्छा ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए क्योंकि हमारा छोटा बेबी आएगा, एंड उसका बहुत अच्छे से हम लोग वेलकम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मिलता है।